तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए टॉप फोर मोड्स लाइक स्मार्टी पाई। भाई मतलब ये चारों के चारों मोड ना स्मार्टी पाई ने अभी रिसेंटली खेले और इन पर वीडियो बनाई है और काफ़ी ज़्यादा मस्त वीडियो बनी है और मोड भी भाई काफ़ी तगड़े हैं। मेरे को काफ़ी मज़ा आया उन मोड की वीडियो देखने में, फिर मेरा मन करा कि मुझे खेलने भी चाहिए, तो मैंने इसीलिए सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए जिससे आप भी इन मोड्स को खेल सको। तो गाइस वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। बस यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा ना साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कर मेरे बीच में होगी और ये है नंबर फोर। थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो गाइज हमारा फर्स्ट नंबर का जो एड ऑन है वो है माय वर्ल्ड इन जार। तो गाइज चलो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये पॉकेट एडिशन में लगता कैसे है। देख सकते हो मैं अपने वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ और भाई ये पूरा वर्ल्ड एक जार के अंदर है। मतलब आपको ऐसे ही यहाँ पे तरह तरह के वर्ल्ड मिल जाएंगे, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे जार होंगे, उनके अंदर ऐसी अलग अलग बायोम, अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे कि पिलेजर टावर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो भाई वहाँ पे सामने दो जार हो रहे हैं, उनके अंदर भी काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, आप वहाँ पे जाके उन एनिमल्स को लेके आ सकते हो, बस बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसमें। और भाई यहाँ पे अपना प्राइवेट माइन एरिया भी है जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से कैसा है। और गाइस हाँ इनमें से किसी भी मोड के अंदर ना आपको जेड आर्चीवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई मैंने सीधा मीडिया फाइल का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करो और उस पर क्लिक करो, सीधा माइनक्राफ्ट में ओपन हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ गाइज आपको तो मजा आएगा, बस मेरे को भी मजे दिलाओ, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना प्लीज यार, मेरे को भी मजे दे दो थोड़े, आपको तो मजे आ गए। अब गाइज आगे चल के दिखाते हैं, देखो मैं वो सामने वाले जार पास से दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो भाई ये रे दो जार, इनके अंदर है भाई काफी सारे एनिमल्स और सामने भाई पानी है पूरा का पूरा, ओशन वाला जार है वो। और भी दिखाता हूँ काफी सारे जार है भाई, यहाँ ये देख सकते हो भाई यहाँ पे दो जार हो रहे हैं, एक काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइप है और एक थोड़ा मोटा टाइप है, और दोनों में अलग अलग बायोम आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब ऐसी भाई जारों के अंदर अलग अलग बायोम, अलग अलग स्ट्रक्चर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे भाई सैंड वाली बायोम बनाई हुई है अपना, देख सकते हो एकदम मस्त यहाँ से आपको सैंड मिल जाएगी और भाई काफ़ी सही है। मतलब ये मैप मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइज ये मैप मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते अपने अगले मैप की तरफ, चाइना का भाई चीन, ये है नंबर तीन। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग। तो गाइज अब का जो हमारा अगला मोड है ना वो है सिक्योरिटी मोड। ये भी भाई स्मार्टी पाई ने अपनी एक वीडियो में खेला था और काफी ज्यादा मस्त मोड है और ये मैं आपके लिए पॉकेट एडिशन के लिए लाया हूँ। तो देखो भाई सबसे पहले इस मोड के अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है और भाई ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एपिक है ना, मतलब बिल्कुल मस्त है। मैं ये सारी तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ दिखा दूँगा बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। तो देखो भाई सबसे पहले नंबर पे आती है ये चेस्ट, इसके अंदर भाई पासवर्ड डाल के आप इसे लॉक कर सकते हो और कोई भी आपकी इस चेस्ट को ओपन नहीं कर पाएगा। आपको सबसे पहले इसे स्पॉन करना है, उसके बाद आपको इस पर टैप करके रखे रखना है, मतलब जैसे आप कुछ डिस्ट्रॉय करते हो ना वैसे उस तरह इस पर टैप करना है, ये ओपन हो जाएगी, इसमें पासवर्ड डाल देना। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, अब मैं इस चेस्ट को ओपन कर सकता हूँ। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब ये ओपन हो सकती है, तो मतलब भाई काफ़ी सही है। और ये दूसरा वाला भी ऐसे ही है, इसमें भी पासवर्ड डलता है। और गाइज सेकंड चीज़ जो है ना वो है भाई ये माइन, देखो भाई ये इग्नाइट हो जाएंगे, यहाँ से मैं रिपोर्ट से इन्हें एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बस मेरे को यहाँ पर डालना है कौन से नंबर की को करना, और भाई देखो मतलब भाई बहुत तगड़ा डैमेज देती है ये, काफ़ी तगड़ी माइन मुझे तो लगी। और इसमें मोड में भाई कैमरा वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। देखो एक मैं काफ़ी तगड़ी चीज़ आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे ले लिया है, सबसे पहले इस वूल को रखूँगा और डोर लगाऊंगा और यहाँ पे देखना ये रखूँगा ना, तो अब भाई ये ना मतलब मेरा फेस लॉक वाला डोर बन गया है। अब मैं इसको जैसे ही फेस दिखाऊंगा ये सीधा डोर को खोल देगा। देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबसे पहले गाइज आपको ऐसे लगा के इसको टेम करना होगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको स्पेस लॉक को ऐसे टेम करना है इस तरह, और अब देखो भाई ये मेरा फेस देख के अपने आप ओपन हो जाएगा जैसे अभी हो रहा है। देखो मैं आपको दूर से करके दिखा रहा हूँ, पहले बंद होने दो, अब देखना गाइज मैं इसके पास जाऊँगा इसे अपना फेस दिखाऊँगा ये ओपन हो जाएगा। देखो फेस दिखाया डोर ओपन, मतलब भाई काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे तो ये। और गाइज ये है इस मोड के कैमरे, तो चलो ये भी चल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाके एक कैमरा लगाना होगा जहाँ पे भी आपको लगाना है इस तरह, उसके बाद इस कैमरे को आपको नेम देना होगा, अभी देख के दिखाता हूँ मैं आप।
आपको गाइस इस पर ऐसे टैप करना होगा, उसके बाद इसमें इसका नेम डालना होगा, कैमरा नंबर, मतलब मैं आया तो अभी के लिए 1 डाल लूँ, आप कुछ भी नेम वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, अब इसे सबमिट कर देते हैं। अब गाइस आपको अपने टैबलेट के अंदर डालना है गो टू कैमरा, तो भाई देखो गो टू कैमरा में जाएंगे, अब कैमरा का नेम पूछेगा कौन से में, तो यहाँ पर 1 डाल देना, मतलब जो भी आपके कैमरे का नाम हो, और अब आप देख सकते हो भाई कैमरे बन चुके हो, मतलब आप इनविजिबल हो, आपको सब कोई फ्रेंड खेल रहा हो, उसे सिर्फ कैमरा दिखेगा, आप नहीं दिखोगे, तो भाई काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे तो ये, आप बताना आपको कैसी लगी। तो गाइज इस मोड में तो इतना ही था, आप चलते हैं जल्दी से अगले मोड की तरफ, जो मैं बोल दूँ वही हो, ये है नंबर 2। अरे बस कर भाई। तो गाइज हमारा जो अगला मोड है उसका नाम है माइनक्राफ्ट बट ब्लॉक रेन, देख सकते हो भाई ये वाली वीडियो डाली थी इसमें आर्टिफाई ने, इसमें रेन ब्लॉक की बारिश होती थी, तो देख सकते हो सबसे पहले इस मोड के अंदर, ये मतलब एक मैप टाइप है, हमें सबसे पहले इसके अंदर आना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने ब्लॉक को ड्रॉप की स्पीड चूज करते हो, तो मैं यहाँ स्लो कर लेता हूँ भाई अभी के लिए, उसके बाद भाई सीधा हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया, देख सकते हो भाई अब अपने यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स की बारिश होगी, देखो भाई ब्लॉक आने स्टार्ट भी हो गए, देख सकते हो आप कितने सारे, अभी तो भाई से लोगों कराए मैंने इसीलिए धीरे धीरे आ रहे हैं, अगर आप जल्दी करोगे मीडियम करोगे तो उसी हिसाब से आएंगे, तो अभी मैंने स्लो कराया क्योंकि आपको ठीक से दिखाना है मुझे, तो इसीलिए मेरे ब्लॉक स्लो स्लो आ रहे हैं भाई, देख सकते हो पर मतलब ऐसे स्लो वाले सही आराम आराम से ब्लॉक आएंगे, आप सारे ब्लॉक देख सकते हो कौन सा ब्लॉक आ रहा है कौन सा नहीं, देख सकते हो यहाँ पर डायमंड सारे ब्लॉक आते हैं, डायमंड कमांड ब्लॉक, मतलब माइनक्राफ्ट का हर एक ब्लॉक आपको इसमें मिल जाएगा, सर्वाइवल मोड में ही कमांड ब्लॉक सब कुछ मिलेगा आपको, तो भाई काफ़ी सही मोड लगा मुझे तो। और गाइज इन सारे मोड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी डाउनलोड करने में, ये सारे मोड बिल्कुल ईजिली डाउनलोड हो जाएंगे, ना आपको ज़्यादा अचीवर चाहिए ना कुछ चाहिए, आपको सिंपली डाउनलोड करके बस खेलने हैं, तो गाइज काफ़ी मेहनत लगी है इन मोड्स को बनाने में, तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, तो चलो गाइज अब चलते हैं अगले मोड की तरफ, इस मोड में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये आप देख लेना एक बार खेल के, तो चलो गाइज अब चलते हैं सेकंड मोड में, जल्दी से सब्सक्राइब करके करा दो मेरे 10 के क्योंकि मुझे काटना है केक, ये है नंबर 1। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो गाइज जो हमारा फर्स्ट नंबर का मोड आता है वो है गाइज माइनक्राफ्ट में इम्पॉसिबल टू डाई का मोड, भाई ये मोड काफ़ी ज़्यादा एपिक है और काफ़ी मस्त है, तो गाइज इस मोड के नाम से ही आपको पता चल गया होगा इस मोड के अंदर क्या है, मैं आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें भाई मुड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब भाई अगर देखो मैं यहाँ से जंप करूँगा ना नीचे कूदूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी तैयारियाँ की है, देखो मैं यहाँ से गिरूँगा मुझे भाई कुछ भी नहीं हुआ, देख सकते हो ऐसा लग रहा क्रिएटिव में कूदाऊँ, और भाई अभी सर्वाइवल होता ना मेरी हालत टाइट हो जाती, और भी गाइज थोड़ी चीज़ें दिखाऊँगा मैं इसमें, बाकी आप डाउनलोड करके खेल के खुद देख लेना वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइज देखो अगर हम अपने ऊपर एनविल गिराते हैं ना तो हमें डैमेज बढ़ती है, अब हम एनविल अपने ऊपर गिरा के देखते हैं, ये रहा भाई एनविल, यहाँ से मैंने एनविल ले लिया, अब चलो गाइज इन्हें अपने ऊपर गिरा के देखते हैं, तो देखो भाई ये एनविल गिरते हैं तो देखते हैं हमें डैमेज पड़ेगा या फिर नहीं, वैसे तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मोड है ही ऐसा भाई, तो देखो सबसे पहले मैं अपने ऊपर एक एनविल डालता हूँ, कुछ नहीं हुआ भाई, और 2 डालता हूँ और भाई अब इसमें हूँ पर कोई डैमेज नहीं है, तो मतलब है भाई इस मोड के अंदर देख सकते हो आप, तो बाकी और सब आप खुद खेल के ट्राई कर लेना। अब गाइज अगला कुछ ट्राई करते हैं, तो गाइज अब चलो सबसे पहले चलते हैं इस लावा के अंदर, लावा के अंदर जाने से आपको तो पता ही है क्या होता है, मतलब भाई लावा हल्का सा भी टच हो जाता है तो हम जलने लगते हैं और हम मर जाते हैं, तो गाइज अब इस मोड के अंदर जाके देखते हैं, तो चलो गाइज अब बिना किसी देरी के लावा के अंदर जंप मार देते हैं, और चलो गाइज मैंने जंप लगा दी और भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो गाइज आप देख सकते हो मुझे हल्की सी भी डैमेज नहीं हो रही, मैं लावा के अंदर जल रहा हूँ पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप सब देख ही सकते हो, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ओपी मोड है, और गाइस अब मैं बता देता हूँ कि इस मोड को डाउनलोड, तो गाइस इस मोड के अंदर तो इतना ही था भाई, आपको कैसे लगे चारों मोड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और भाई ऐसी और मोड की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए मुझे वो भी बता देना, तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।